sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs. And now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टार मिरर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं सहरी बना रही हूँ और आज हम सब करने जा रहे हैं 24 रोज़े की सहरी। और देखते ही देखते रमज़ान जो है देखिए गुजर गया है, आखिरी अशर चल रहा है और कल है अलविदा। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि ये महीना हमें देखने को नसीब हुआ। और जितनी इबादतें की हमने, जितने रोज़े रखे, बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हमारी इबादत और रोज़ों को कबूल मंजूर अदा फरमाए। क्या पता आने वाला साल हमें ये महीना नसीब हो या ना हो, ये तो नसीब की बात है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका था, बच्चे कुरान पढ़ रहे थे और मैंने अपने किचन में काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने आलू स्लाइस कट करके इस तरह वॉश करके हवा में फैला दिया कि अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके मैं बनाने वाली हूँ आलू के पकोड़े। चने के साथ खाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर, खीरा बारीक कट करके रख लिया। और जो काले वाले चने थे वो मेरे ख़त्म हो गए थे, मैंने सहरी में से भुगो कर रख दिया था। तो अभी मैं कुकर में इसे चढ़ा दी हूँ बॉयल करने के लिए। आप शैतानी कर रही हो भैया के साथ। अच्छा ठीक है, कर लो कर लो कर लो। मेरी बेटी को हमारे साथ काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये काम कम ज़्यादा करती, बस बिगाड़ती बहुत ज़्यादा। अगर इसे कुछ बोल दूँ तो बुरा लग जाता है। मैं किचन में आ गई दोबारा से क्योंकि जो चने मैंने बॉईल करने रखे थे ना, ये पक चुके थे बट इसमें पानी मौजूद था। थोड़ा सा मैंने चने इसमें से निकाल कर अलग से पैन में पकने के लिए रख दिया है, जो अभी हम अफ्तार में खाएँगे। बाकी जो चने इसमें पानी, इसे पानी ड्राई कर रही हूँ अभी मैं। और बेसन मैंने यहाँ पर हल करके रखा है आलू के पकौड़ों के लिए। यहाँ पर जब तक हमारे चने बनते हैं और इतने देर में हमारे ये काले चनों का जो पानी है वो ड्राई हो गया। अभी ये ठंडे हो जाएंगे फिर मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। और दो चार दिन ही तो और हमें खाना है, बस इतने दिन तक के लिए मैंने इसे पका लिया है। और जो अभी अफ्तार में खाने के लिए मैं जो चने बना रही हूँ, इसमें मैंने टमाटर, ज़ीरा, लहसुन अदरक और लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और हरी मिर्च कट करके मैंने डालकर इसे थोड़ा सा गलाया। नमक भी मैंने डाला, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल भी मैंने डाला था। तो ये मज़ेदार सा हमारे काले चनों के छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। और मैं चिवड़ा यहाँ पर फ्राई कर चुकी हूँ क्योंकि काले चनों के साथ अगर ये चिवड़ा ना होना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मेरे बच्चे इसके बगैर तो बिल्कुल नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद मैं पकौड़े फ्राई करूँगी। पहले वीडियो में जैसे कि मैंने आलू कट करके दिखाया था, तो उसी आलू के मैं पकोड़े बना रही हूँ। और आजकल मैं इफ्तारी में बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक पकोड़े में बना लेती हूँ, वो चाहे आलू की बनाऊँ, दाल के बनाऊँ या फिर बेसन के बनाऊँ। तो बस अगर ज़्यादा कुछ बना लेती हूँ ना तो क्या होता है, बच्चे नहीं खा रहे हैं और वो बाद में मुझे फेंकना पड़ जाते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आलू के पकौड़े बनाए ना, आप इसका लुक चेक करेंगे। देखें इसका जो बेसन मैंने तैयार किया ना, उसका एक तरीका होता है, सीक्रेट तरीका है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। आप लोगों को इसके लिए कमेंट्स करना होगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके मुझे इसके बारे में पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने ये बेसन किस तरह तैयार किया है। इस तरह ये बेसन तैयार करके आप अंडा चाप बनाएं या फिर बैंगन के पकोड़े बनाएं, या जैसे मैंने आज आलू के पकोड़े बनाए हैं, ये बाद में ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी रहते हैं, नरम नहीं पड़ते हैं। अफ्तार करते ही मैं फौरन तैयार हो गई मार्केट जाने के लिए। जो कलर ख़राब कर दिया था कलर वाले ने मेरा दुपट्टा और ट्राउज़र जो ख़राब किए थे, तो उसके लिए मैं दोबारा से आई क्योंकि जब कल मैं गई थी ना तो ये शॉप बंद हो चुका था। अभी मैं दोबारा आई हूँ उसे देने के लिए। तो यहाँ पे मैं मार्केट दिखा दी, फ़ौरन बाद अफ्तार के आ गई थी ना, इसलिए सन्नाटा हो रहा था। फिर उसके बाद मैं घर आ गई, मेरा के पापा ऑफिस जा चुके थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाला ये अपना ड्रेस, और ये ड्रेस मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया हुआ है। जस्ट एक बार मैंने इसे पहना था, पिछले व्लॉग में नहीं, कुछ अर्से पहले व्लॉग में मैंने शेयर किया था। और एक बार ही मैंने ये ड्रेस पहना था, मुझे इसकी स्टिच जो है वो सही नहीं लगी और फिटिंग भी सही नहीं आ रही थी, और ट्राउज़र भी इसका जो है वो घेर कम था, तो मैंने दोबारा इसे नहीं पहना। तो अभी मैंने इसे निकाला है, इसके साथ कुछ करने वाली हूँ मैं। क्या करने वाली हूँ आगे व्लॉग को आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। यहाँ जिन्होंने अभी मुझे न्यू ज्वाइन किया है, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस शर्ट के ये चार दामन पे ब्लैक कलर का ये लेस लगा था जिसे मैंने खुलकर निकाल दिया। और ये है इसका ट्राउज़र जो कि खेर में बहुत कम है। तो इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ आगे आप लोगों ने देखना है। इसके लिए अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, वहाँ पे मेरी बड़ी नंद आई हुई हैं। तो मैं सोची कि उनसे कुछ आइडिया लूँगी, कुछ मशवरा लूँगी और इसके साथ कुछ करते हैं। तो फिर चलते हैं वहाँ, वहाँ जाकर फिर मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर करती हूँ। ये तो मक्का कराने वाली थी, तुम भी करा ली।
आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। साढ़े चौदह रखिए, 15 पे काटोगे तो 14.5 बता यार आ जाएगा। अभी जाने नहीं मिलेगा यहाँ से। इंजीनियर पे काट दे, काट दे, कोई मसला थोड़ी है हमारा क्या। कटिंग तो मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन जब दो चार बंदे मिल जाते हैं ना तो उससे ज्यादा अच्छा मशवरा मिल जाता है। सो हमने हंसी मजाक के साथ किया अपनी शर्ट का काम तमाम। उसके बाद थोड़ी देर में बैठी थी, नाश्ता पानी हुआ। मेरी देवरानी ने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया था, फ्रेंच फ्राइज मंगवाया था, लेकिन फ्रेंच फ्राइज मुझसे खाया नहीं गया क्योंकि अफ्तार के बाद मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ और वैसे भी बिल्कुल भूख भी नहीं थी। सो कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय किया और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं घर आ गई थी। आकर मुझे सिलाई भी तो करना था ना, तो मैं सिलाई पे बैठ गई थी। सिलाई करते करते टाइम का पता नहीं चला और यहाँ पे 2:30 बज चुके थे। मैं सोच रही थी कि सहरी से पहले पहले मैं इस शर्ट को तैयार कर लूँ, साथ में मैंने ट्राउजर भी तैयार किया है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और फाइनली मैंने सिलाई कंप्लीट कर लिया और ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप कि आप सबको ये डिज़ाइन और ये स्टाइल ज़रूर पसंद आया होगा। ट्राउज़र को मैंने कट करके इसमें किस तरह एडजस्ट किया आप सबको नज़र नहीं आ रहा होगा, पता भी नहीं लगेगा कि मैंने इसके साथ किया क्या है, लेकिन ये देखें ये शर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रही है बनकर। और साथ में मैंने ये वाला ट्राउज़र भी तैयार किया, ये वाला मेरे पास फैब्रिक रखा हुआ था तो मैंने इस तरह इसका खुले पाँचे का ट्राउज़र बना लिया है, जो कि इस फ्रॉक के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। शर्ट के चांग दामन से जो लेस मैंने निकाला था, देखिए घेर में भी आ गया और ऊपर भी मैंने एडजस्ट कर लिया है और ये फाइनल लुक इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कि इस पर मैंने एक रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया, कोई भी चीज़ लाकर मैंने इसमें नहीं लगाया, जो मेरे पास था उसी में मैंने ये फ्रॉक तैयार किया, जो कि लुक में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके दुपट्टे की बात करूँ तो दो दुपट्टे मेरे पास नेट के पड़े हुए थे, एक ये दुपट्टा और एक बिल्कुल बारीक नेट का, तो वो मैंने हटा दिया, ये वाला अटैच कर दिया है। और ये देखे फाइनल लुक मेरे ड्रेस का। कल है अलविदा तो इंशाल्लाह ये ड्रेस मैं कल पहनूंगी और पहनने के बाद इसका पूरा लुक मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये जुगाड़ू वाला काम, अगर पसंद आया तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।